पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ खूब तूतू मैं हुई। यहां तक कि ठाकुर ने कांग्रेस सांसद से उनकी जाति तक पूछ ली। इस पर अखिलेश यादव ने कड़ा विरोध जताया। भाजपा सांसद के भाषण के दौरान लगातार विपक्ष का हंगामा जारी रहा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने नेता के भाषण की सराहना की। उन्होंने इस पूरे भाषण का वीडियो साझा किया। इसको लेकर अब विपक्ष और भड़क गया है। उन्होंने ठाकुर और पीएम मोदी की आलोचना की है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई गाली मुझे सर बोले दी सर मुझे उनको बोले सर सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे। मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आइए। वे केवल सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं आप।